शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दरअसल इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी के बीच सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर जारी है और इसी कड़ी में अब जेडीयू के समर्थकों ने पोस्टर लगाया है। हड़ताली मोड़, इनकम टैक्स गोलंबर और हाईकोर्ट के पास पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई गई है और ये देखिए ये पोस्टर आपके सामने किस तरीके से यहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू नेता पोस्टर ही लगाते रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के दिलों में तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि भय बनाम भरोसा नहीं, भीतर घात बनाम गरीबों का सम्मान और बिहार के हक की बात होगी। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू का नारा होगा भय बनाम भरोसा और उसी से मिलता जुलता आज एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें 2005 से पहले के जो शासनकाल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, हर रोज टीवी पे बोलते हैं, आरजेडी का पुरजोर तरह से अपनी बातें रखते हैं आरजेडी की तरफ से। ये बताइए ये जो पोस्टर जारी किया गया है जेडीयू के समर्थित तरफ से इसके बारे में क्या कहेंगे जो बखान किया गया है 2005 से पहले का? देखिए जेडीयू पोस्टर लगाने का काम ही चुनाव के बाद करेगी। तेजस्वी यादव जी का पोस्टर बिहार के 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है। अब जेडीयू से जो सवाल डबल इंजन की सरकार से नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए 15 साल 55 घोटाले लिस्ट के साथ हमने बजाबते राष्ट्रीय जनता दल ने टांगा है। जनता मांग रही है इसका हिसाब, सृजन से लेकर शौचालय तक। देख लीजिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित झूठ की टोकरी घोटालों का धंधा, ये हमने लगाया है। हमने लगाया है बिहार के श्रमिकों को गुंडा क्यों कहा, बिहार के हमारे श्रमवीर भाइयों को अपराधी क्यों कहा, इसका जवाब वो दे नहीं रहे। हमने अधिकृत रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं छुपे जिस तरह से जनादेश का उन्होंने चोरी किया है, जनता के साथ भीतर घात किया है। अरे क्या भय और क्या भरोसा, नारा है भीतर घात। जिसने जनता के साथ किया भीतर घात, जिसने किया जनता के साथ भीतर घात, और एक तरफ है जिसने किया गरीबों का सम्मान। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, कैमरामैन विजय के साथ हीरज ठाकुर, जी मीडिया पटना। तो जेडीयू आरजेडी की पोस्टर वॉर पर आरएलएसपी ने क्या रिएक्शन दिया है दिखाते हैं आपको। जनता दल यूनाइटेड की बौखलाहट को बिहार की जनता समझ रही है। सत्ता में पुनः वापसी कैसे हो, सत्ता में कैसे बने रहे इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। पोस्टरबाजी भी जारी है, जनता को डराने की बात हो रही है, धमकाने की बात हो रही है, लालू राज की याद दिलाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं अब वक्त बदल गया है, बिहार की जनता डेवलपमेंट की बात करना चाहती है।